दूसरी कोई चर्चा नहीं की। भागवत बनाने से व्यास जी को इतना संतोष हुआ कि फिर भागवत जी के बाद उन्होंने कोई दूसरा ग्रंथ नहीं बनाया। बोले अब तो मुझे पूर्णता की प्राप्ति हो गई है, जो कुछ रह गया था वो सब पूर्ण हो गया है कृष्ण चरित्र से। तो ठाकुर जी का जो नाम है वो सब साधनों का पूरक है, उनकी पूर्ति करने वाला है। तो किसी भी कार्य की सफलता के लिए या किसी भी ग्रंथ की सफलता के लिए, किसी भी साधन की सफलता के लिए ठाकुर जी का नाम कीर्तन अवश्य कर लेना चाहिए, उनका स्मरण प्रारंभ में अवश्य कर लेना चाहिए, तो वो सब साधन वो सब काम सफल हो जाते हैं। तो व्यास जी ने फिर श्रीमद् भागवत जी को बनाया है और ऐसा यह दिव्य ग्रंथ बनाया है व्यास जी महाराज ने कि भागवत जी के बाद फिर कोई दूसरा ग्रंथ नहीं बनाया। सुखदेव जी ने यह ग्रंथ पढ़ा है, आगे परीक्षित जी को यह ग्रंथ उन्होंने सुनाया है और इससे जगत में भक्ति का बड़ा प्रचार प्रसार हुआ, कथा कहने और सुनने की पवित्र परंपरा चल पड़ी। तो व्यास जी ने भगवत यश भागवत जी के द्वारा गाया है, बहुत ही सुंदर बहुत ही पवित्र यश है। इसके बाद श्रीमद् भागवत जी में कुछ महाभारत के प्रसंगों की भी चर्चा की गई है। जिस समय महाभारत का अंतिम चरण चल रहा था और भीम अंतिम चरण में भीमसेन और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ है, तो उस समय भीमसेन ने दुर्योधन की जांग पर गदा मारी जिससे उसकी जांग टूट गई और मरणासन्न स्थिति में वो पहुंच गया। तो जब दुर्योधन के मरने का समय निकट आया तो दुर्योधन को इस ये वरदान था कि जब तुझे बहुत अधिक प्रसन्नता और बहुत अधिक कष्ट एक साथ होगा तब तेरी मृत्यु होगी। तो कष्ट दुर्योधन को इस बात का था कि सारा महाभारत हो गया, हम एक एक करके सब भाई मर गए पर पांडवों में से एक भी नहीं मरा, तो इस बात का उसे बड़ा कष्ट हुआ। तब तक अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने कहा अरे महाराज आप चिंता मत करो, मरते मरते चाहे मुझे छल करना पड़े कपट करना पड़े पर मैं इन पांचों पांडवों को आज मार कर आऊंगा। अब भगवान तो अंतर्यामी वो सब जान रहे हैं, तो जिस शिविर में पांडव सोते थे ठाकुर जी ने उस रात उनको वहां सोने ही नहीं दिया। उस रात्रि उस शिविर में पांडवों के पांचों पुत्रों को सुला दिया गया। अब अश्वत्थामा रात में आया छल पूर्वक मारने के लिए, तो एक तो जल्दीबाजी में और फिर कोई पकड़ ना ले देख ना ले, तो धोखे में पांडवों की जगह उनके पुत्रों का मस्तक काट कर ले गया। दुर्योधन को कहा लो महाराज ये पांचों पांडव मैंने मार दिए। दुर्योधन ने उन पांचों मस्तकों को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर ऐसे दबा के देखा तो एक एक बार में वो पांचों सिर फूट गए। दुर्योधन बोला ये पांडवों के सिर नहीं है, अश्वत्थामा तुमसे धोखा हुआ है, ये उनके पुत्रों के मस्तक हैं। तो दुर्योधन को अपार प्रसन्नता और अपार कष्ट दोनों एक साथ हुए। पांडवों में से कोई नहीं मरा इस बात का उसे बड़ा दुख था, पर पांचों पुत्र मर गए ये सोचकर उसे प्रसन्नता भी थी। तो जब दोनों चीजें एक साथ उसे उत्पन्न हुई है तब उसी समय दुर्योधन वहां समाप्त हो गया। तो जब महारानी द्रौपदी को सवेरे पता चला कि मेरे पांचों पुत्र अश्वत्थामा ने मार दिए, तो अगर माँ के पांचों बालक मार दिए जाएं तो मैया के हृदय में कितनी वेदना होगी, बड़ा कष्ट हुआ। तो अर्जुन ने उनको दुखी देखकर कहा आप चिंता ना करें देवी, मैं अश्वत्थामा का सिर काट कर तुम्हें दूंगा। उसके बाद अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हुआ है। उस युद्ध में अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया लेकिन मारा नहीं, इसलिए क्योंकि एक तो अश्वत्थामा गुरु पुत्र हैं, द्रोणाचार्य जी के बेटे हैं, और दूसरा वो ब्राह्मण हैं, तो इसलिए अर्जुन ने मारा नहीं। और महारानी द्रौपदी ने भी वहाँ अर्जुन को कहा है स्वामी आप इन्हें छोड़ दें, ये गुरु पुत्र हैं, ये चाहे जो भी हैं पर ये हमारे पूज्य हैं। तब वहाँ अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, पर अश्वत्थामा के मस्तक से अर्जुन ने एक मणि को निकाल लिया। उनके मस्तक पर एक मणि थी जो बहुत चमकती थी। जब मणि को निकाल लिया तो अश्वत्थामा का एकदम मुख कमल निस्तेज हो गया। तो अश्वत्थामा को बड़ा बुरा लगा, बहुत अपमानित अनुभव हुआ। तो अश्वत्थामा ने वहाँ उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ये उत्तरा कौन है? अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, जिनके गर्भ में परीक्षित जी महाराज थे।
उत्तरा के गर्भ पर जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो वहाँ उत्तरा जो है वो ठाकुर जी की शरण में आई हैं। अब देखो कितनी बड़ी एक शिक्षा उत्तरा ने दी है। पांचों पांडव वहाँ खड़े हैं, एक से एक वीर पराक्रमी हैं, पर किसी की भी शरण नहीं ली, सीधे कृष्ण शरण में गई हैं उत्तरा। ये गलती महारानी द्रौपदी से हुई थी, और हम लोग तो ये गलती करते ही रहते हैं, कभी भगवत शरण नहीं लेते। पर महारानी द्रौपदी का जिस समय चीर हरण हो रहा था तो उन्होंने पांडवों की ओर देखा, अपने पतियों की ओर देखा, कभी भीष्म पितामह की ओर, कभी गुरु द्रोण की ओर, कभी धृतराष्ट्र की ओर। जब तक इधर उधर देखती रही तब तक रक्षा नहीं हुई, दांत से भी जब तक साड़ी को पकड़ा भगवान नहीं आए, और जब दांत से साड़ी छूटी है और हा गोविंद उन्होंने कहा है तो उसी समय भगवान उनके वस्त्र बन गए, अमरावतार भगवान ने ले लिया। यदि प्रारंभ में ही भगवत शरण ले ली होती तो इतना भी कष्ट नहीं मिलता। तो महारानी उत्तरा जो है वो समझ गई हैं कि अगर मैंने एक दूसरे की शरण लेने की गलती की तो मेरा गर्भ तब तक नष्ट हो जाएगा, तो किसी की शरण में नहीं गई, सीधे कृष्ण शरण में गई। और जब भगवत शरण में उत्तरा गई हैं तो वहाँ ठाकुर जी की शरण ली है, तो वहाँ भगवान ने उनके गर्भ को ढक दिया, गर्भ ढक दिया, और भगवान स्वयं एक छोटे से बालक के रूप में उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान को देखते ही ब्रह्मास्त्र वहाँ से गायब हो गया, और उत्तरा मैया का बालक भी सुरक्षित और उत्तरा मैया भी सुरक्षित। तब वहाँ माता कुंती ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है, और उस स्तुति में सबसे सुंदर बात, कुंती स्तुति वैसे भी भागवत जी की बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है, मैया कुंती ने वहाँ प्रार्थना की है। उस समय ठाकुर जी द्वारिका जा रहे थे, हे प्रभु आपने महाभारत में मेरे बालकों को बचाया, बड़ी बड़ी विपत्तियों में वनवास के समय आपने हमारी रक्षा की, अभी अभी उत्तरा को ब्रह्मास्त्र से बचाया है, हे नाथ सच्चे सहारे सच्चे शरण तो आप ही हैं, और अब आप द्वारिका जाना चाहते हैं, आपके बिना हम कैसे जिएंगे, हे नाथ आप जा तो रहे हैं पर मैं चलते चलते एक वस्तु आपसे मांगूंगी। तो ठाकुर जी बोले, बुआ अब तो आप राजमाता बन गई हो, अब आपको किस वस्तु की आवश्यकता है? बोले एक चीज चाहिए जो आपने मेरे से छीन ली है। बोले मैंने क्या छीन लिया? बोले विपदः संतु नः शश्वत, आपने मेरे कष्टों को मुझसे छीन लिया, हे नाथ आप कृपा करें मेरे कष्ट मेरी विपत्तियां मुझे वापस लौटा दें। ठाकुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मांगने वाले तो बहुत मिले पर दुख मांगने वाला आज तक ठाकुर को भी कोई नहीं मिला। बोले बुआ आप कैसी बात कर रही हैं, इतने इस कष्ट भोगने के बाद जैसे तैसे तो सुख के दिन आए, आप राजमाता बनी, आपके पुत्रों ने महाभारत को जीता, अब आप कष्ट क्यों मांग रही हैं? बोले भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम, बोले आप कष्ट जब आएंगे तो आपकी याद आएगी, और जब आपकी याद आएगी तो आप स्वयं आएंगे। अब मेरे सामने सुख के दिन आ गए इसीलिए तो आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, कष्टों में तो आपने कभी हमें नहीं छोड़ा, इसलिए हे नाथ वो कष्ट अच्छे हैं जो आपकी याद दिलाते हैं। सुख के माथे सिल परो जो हरि को बिसराए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। वो कष्ट भी अच्छा है, वो क्लेश भी अच्छे हैं जो कम से कम भगवान की याद तो दिलाते हैं, उनकी स्मृति तो कराते हैं। तो हे नाथ मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए राजमाता का पद, मुझे तो वही वनवास के दिन याद आते हैं जब आप पग पग पर हमें दर्शन देते थे, कभी लक्षाग्रह से बचा रहे हैं, लक्षाग्रह की आग से, कभी बड़े बड़े कष्टों से आप हमें बचा रहे हैं, ऐसे उस समय आपने हमारी रक्षा की जैसे नेत्र की पलक नेत्र की रक्षा करती है। सूरदास जी का एक बड़ा सुंदर पद है, अब वे विपदा हो ना रही। सूरदास जी कह रहे हैं वो विपत्तियों के दिन कहाँ गए, मनसा करी सुमिरत हे जब जब मिलते तब तब ही, जब विपत्तियों में हम आपको याद करते थे, और हे नाथ याद करते ही आप चले आते थे, कीजे कहा सूर सुख संपत्ति जहाँ यदुनाथ नहीं। अरे ऐसे सुख में तो आग लगी, उसका क्या करना है जो भगवान को भुला दे। सबसे बड़ा कष्ट क्या है, भगवान को भूल जाना ये सबसे बड़ा कष्ट है, और उनकी याद बनी रहे ये सबसे बड़ा सुख है।
तो हम लोगों को लगेगा कि माता कुंती ने क्या मांगा, अरे भगवान को पाने के बाद कष्ट मांग रही हैं। बोले वो विपत्ति नहीं थी, वो संपत्ति थी। हम लोगों की दृष्टि में वो विपत्ति है, पर भगवत स्मृति से बड़ी कोई संपत्ति दुनिया में नहीं हो सकती। और माता कुंती कह भी रही है, मुझे कष्ट इसलिए चाहिए क्योंकि कष्ट में आपकी याद आएगी, और आपकी याद आएगी तो आप स्वयं आएंगे। तो हे नाथ, आप कृपा करें, आप विचार करें, हम लोग बनते हैं भक्त, पर क्या इतनी हिम्मत हम लोगों के अंदर है कि भगवान से हम दुख मांगें? कभी नहीं मांग सकते। हम लोग सुख मांगेंगे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। हम लोग तो ऐसी भक्ति करते हैं, और इन भक्तों की कितनी हिम्मत है, कितना साहस है, खुले रूप से मांग रहे हैं, हमें कष्ट दो, हमें दुख दो। हम दुख से छूटना भगवान की कृपा मानते हैं, और भक्त दुख की प्राप्ति भगवान की कृपा मानते हैं। कितना बड़ा अंतर है, एकदम विपरीत भावना है। तो माता कुंती कह रही हैं, आप मुझे कष्ट प्रदान करें, दुख प्रदान करें। हे यादव रुको, दुख से झोली भर जाओ, जाने वाले रुक जाओ। अभी कहते कि सुख से झोली भर जाओ तो सब लोग बोलते, अरे साहस करो ये बोलने का। मैया कुंती साहस कर रही हैं, क्योंकि ये कहने को दुख है, कष्ट है, पर जो परिस्थितियां भगवान की याद दिलाएं, उनसे बड़ा स्वर्णिम और सुखद अवसर हो नहीं सकता। इसलिए सब लोग बोलो, ये साहस बनाओ कहने का, ठाकुर जी से मांगने का। दुख से झोली भर जाओ, जाने वाले रुक जाओ। दुख से झोली भर जाओ, जाने वाले रुक जाओ। हे यादव रुक तो जाओ, जाने वाले रुक जाओ। हे यादव रुक तो जाओ, जाने वाले रुक जाओ। बोली विपदा संतु न शश्वत, कितने दिन के लिए दुख चाहिए, ठाकुर जी पूछ रहे हैं। तो मैया कुंती कहती है, शश्वत सदा सदा के लिए चाहिए, एकाध दो घंटे या दो चार साल के लिए नहीं। बोले सदा दुख रहे तो सदा आपकी याद रहे, और सदा आपकी याद रहे तो सदा आपका दर्शन भी रहे। सबसे अच्छी वस्तु मैया कुंती ने मांगी है, पर ये मांगने की, ये वस्तु मांगने के लिए बड़ा साहस चाहिए, बहुत मजबूत छाती चाहिए। दुख कौन मांगता है भगवान से? कोई नहीं चाहता दुख, लेकिन मैया कुंती मांग रही हैं और कह रही है, जन्म ईश्वर श्रुत श्री भी एध मान अदह पुमान, नैवार हत्य भिदा तुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम। हे नाथ, मूर्ख हैं वो लोग जो आपसे मांगते हैं, हमें अच्छे कुल में जन्म मिल जाए, हमें खूब पैसा मिल जाए, हमें खूब पढ़ लिख जाएं, अच्छे विद्वान पुरुष बन जाएं। तो मैया कुंती कह रही है, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी, जिन्हें अच्छे कुल में जन्म मिल गया, ब्राह्मण बन गए, तो उन्हें अभिमान हो जाता है, अरे ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए हैं। खूब पैसा मिल जाए तो किसी को सामने देख नहीं सकते। श्रुतश्री भी, खूब पढ़े लिख जाएं तो अपने आगे किसी को गिन नहीं सकते। श्री, बढ़िया संसार में नाम हो जाए, मान प्रतिष्ठा मिल जाए, संसार का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाए, तो एधमान, ऐसे लोगों का अभिमान निरंतर बढ़ता रहता है। मैया कुंती कह रही है, मैं ये सब चीज मांगकर क्या करूंगी, जो जीव का पतन करने वाली है, जीव का मद बढ़ाने वाली है। ऐसे लोग तो हे नाथ नैवार हत्य भिदा तुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम, ऐसे लोग तो आपका नाम लेने का भी अधिकार उनको प्राप्त नहीं है, जिनका मद बढ़ गया है, जो अभिमानी पुरुष हैं। इसलिए हे नाथ, ना ऊंचा जन्म चाहिए, ना कुल चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ राजमाता बन गई हूँ, ये राजमाता का पद भी छीन छान जाए मुझसे। कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी स्मृति चाहिए, आपकी याद बनी रहे, इससे बड़ी कोई वस्तु क्या हो सकती है। मैया कुंती की स्तुति को सुनकर
भगवान द्वारिका जा रहे थे, नहीं गए, लौट आए। और उसके बाद पांडवों को साथ लेकर ठाकुर जी भीष्म पितामह के पास गए हैं। उस समय भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में शरशैया पर, बाणों की शैया पर पड़े थे। इतना कष्ट भीष्म पितामह, कैसी स्थिति होगी, देखो यही होती है भक्तों की स्थिति। भीष्म पितामह के एक एक रोम में बाण घुसे हुए थे, सारा शरीर छलनी की तरह एकदम छिल गया था, सब छलनी बन गया था। ऐसी स्थिति में भी एक दिन ठाकुर जी अपने शिविर में बैठे बैठे आंख बंद करके ध्यान लगा रहे थे, तो युधिष्ठिर जी आए, प्रभु आप तो सब संसार के ईश्वर हैं, आप किसका ध्यान लगा रहे हैं? बोले मैं भीष्म पितामह का।